नमस्कार, जेएनआई न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल यादव। जनपद बाराबंकी के थाना जैतपुर अंतर्गत टिकरा गांव में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी द्वारा चौपाल लगाकर समस्त प्रकार की जानकारियां दी गईं। बाराबंकी में टिकरा, जो कि मॉर्फिन की खान के नाम से जाना जाता है, पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी द्वारा जिस प्रकार चैनपुरवा जैसे गाँव को गोद लेकर विकासशील बनाया गया, ठीक उसी प्रकार टिकरा उस्मा को गोद लेकर समस्त प्रकार के व्यवसाय करवाने का आदेश दिया है। और सुलभ जानकारी देते हुए कहा कि गैर कानूनी धंधे करने वाले लोग अपनी व्यवसाय की जरिए से अपने परिवार को खुशहाल पूर्वक जिंदगी जीने का प्रयत्न करें। आइए देखते हैं बाराबंकी से संवाददाता राजकुमार की एक रिपोर्ट। होने के नाते कि जो ऐसे लोग हैं जो राह भटके हुए हैं, जो किसी के कहने से गुमराह हो गए हैं और अपराध की ओर उन्मुख हुए हैं, अगर उनसे संवाद किया जाए, उनसे बात की जाए और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, उनके साथ मिलकर, तो जरूर एक बदलाव हो सकता है। जो अपराधी हैं, जो अभ्यस्त अपराधी हैं, उनके लिए कानून है, उनके लिए कड़ी चुनौतियां पुलिस देती है, उनके सामने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो अनजाने में किसी ऐसी राह को पकड़ते हैं, उनमें बदलाव की कोशिश करने के लिए बाराबंकी पुलिस ने मिशन कायाकल्प नाम से एक अभियान शुरू किया है। माह अगस्त में चैनपुरवा थाना रामनगर स्थित गांव से ये मुहिम आरंभ की गई थी, जहां बड़े अच्छे परिणाम मिले। चैनपुरवा में 90 परिवार अवैध शराब बनाते थे, जिनको रोजगार के अवसर दिए गए और 90 में से 90 परिवारों ने शराब बनाने से तौबा कर ली। उसके बाद बेहड़पुरवा थाना कुर्सी का एक गांव है, जहां कंजड़ जनजात के लोग 24 परिवार रहते थे और शराब बनाते थे। उन्होंने हमारे अभियान शुरू होने से पहले ही एक मुहिम छेड़ी और उन्होंने कहा कि हमको रोजगार अगर दिया जाएगा तो हम कतई शराब नहीं बनाएंगे। इससे उत्साहित होकर आज हम यहां ग्राम टिकरा में हैं। टिकरा के दो जो मजरे हैं, इसके अलावा तेरा, चंदौली, मगरौल, तमाम ऐसे गाँव हैं जहाँ हमारे युवा भटके हुए हैं और तमाम ऐसे लोगों के कहने पर जो गलत धंधों से अकूत संपदा बनाते हैं और हमारे युवाओं को अधेरे रास्तों पर ढकेल देते हैं, वो कैरियर की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। हमारे गांव के तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जिनको रोजगार के अवसर नहीं मिलते, हम आज उनके हाथ थामने के लिए आगे आए हैं। हमने यहाँ आज इंकलाब का नारा दिया है। इंकलाब का मतलब बदलाव होता है। अगर ये लोग बदलाव के लिए आगे आएंगे तो पुलिस बल के मदद से, जो तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो तमाम वरिष्ठ नागरिक हैं जिनके पास लंबा अनुभव है, वो इस गांव में और ऐसे तमाम गांवों में आएंगे जहां बदलाव की बयार बहेगी, खुशहाली होगी, लोग निश्चिंतता के साथ अपने घरों में रहेंगे, सम्मान के साथ रहेंगे। पुलिस आएगी तो उसका भी सम्मान करेंगे और पुलिस भी उनका सम्मान करेगी।